साक्षात पार्वण दसवें श्री गुरु ने पहले मानते थे राम को कृष्ण को बड़े आदमी होते थे और फिर बाद में हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण थे सब, उसके बाद नाथ हो गए, इन बहुत से लोग आए ये ज्ञान देने के लिए। आज से नहीं आदिकाल से मनुष्य को शिक्षा दी जा रही है ताकि वो सुखी रहे। कैसे खुशी रह सकता है? इस शिक्षा को आज से आदिकाल से भारत जो है इस ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया का गुरु माना जाता है। तो हमारे सब कुछ ये आप देखते हैं। अब संत का अवतार में क्या है कि फॉर्मेलिटियाँ नहीं है, तो इसमें क्या है कि संत मत पर बैठता है गुरु, आगे बैठ जाता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, चुपचाप उसका आदि सम्मान से बैठ जाओ और उसको देखते रहो, चेहरे को देखते रहो और सत सुनते रहो, बस इतना ही बात। फिर उसमें क्या बात अच्छी है अपनी दी वो तो पॉकेट में डाल दो और जो घटिया बात छोड़ दो। सार सार को गह ले थोथा देवड़ा, मतलब की बात आपकी है वो बात करो। तो अभी मतलब हम इस प्रपंच पर आते हैं कि मैंने क्या सत्संग दिया। देखो न तो मैं कोई महात्मा हूँ, न कोई इस काम का कोई पूजे आदमी हूँ। ऑर्डिनरी गांव का आदमी था, सेना में चला गया, सेना में नौकरी करी, अंग्रेजों का ज़माना था, अधिकारी पद फौरन मिल गया। यह गिफ्ट थी मेरे को, योग्य नहीं था मैं, अधिकारी पद पर रहा। पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर बर्मा के अंदर 5 साल युद्ध में रहा और फिर वापस से आया तो इसके बाद कमीशन मिल गया और बड़ा अधिकारी बन गया और नौकरी करता रहा। अच्छे अचानक के कोई तान बैठ के कहीं मौका लग गया तो बोलते मतलब मेरे को हल्दीगांठ मिल गई, ये ज्ञान मिल गया और इसका अनुभव हो गया और वो अनुभव बताना चाहता हूँ। अनुभव क्या, मैंने क्या अनुभव किया है कि ये अनुभव किया कि ईश्वर कहीं है। मेरा अनुभव यह है कि ईश्वर कहीं है इस लोक में, तो आपके अंदर है। बात नहीं कर रहा हूँ, सभी महात्मा बोलते हैं, सभी ने अच्छा बताया, इस तरह सीधी बात नहीं बताई क्योंकि उस जमाने में इसकी ज़रूरत नहीं थी। अलंकार चिन्ह लगा के बात बता दी और वो साफ थी। और अभी भी जो कुछ महात्मा सत्संग दे रहे हैं धन है सब, किसी की दुखता चिन्ह नहीं है। जो ज्ञान दे रहे हैं वो सभी धन है। कुछ तो सिखाते धन है, बैठना सिखाते हैं, दान देना सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं तो ज्ञान देते हैं वो सब। जो महात्मा धन है जो ज्ञान देते हैं वे मास्टर सब धन है, शिक्षा देते हैं। प्राइमरी का मास्टर भी ज़रूरी है, मैट्रिक का भी और फिर आगे कॉलेज तक का और फिर पीजी कराने के, हर एक मास्टर मास्टरी। तो कोई मास्टर यह कहने के आप काबिल नहीं, क्या पढ़ाते हो आप, प्राइमरी पढ़ाते हैं क्या करते हो। तो मेरा अनुभव यह है कि धन है जो महात्मा आज से पहले हुए हैं अभी हो रहे हैं, धन ये जो ज्ञान देते हैं। कुछ कोई कुछ देता, कोई कुछ देता, साथ साथ वो ड्रामा दिखा देते हैं। तो वो ड्रामा दिखाने वाला परमात्मा ही, जब आप ईश्वर से हैं तो वो परमाण ड्रामा दिखाने वाला है। कपिल तो पूज जाते हैं और पूज के कोई ऐसा काम कर बैठता है कि शुभ करवाने पर गिर जाता है और जेल में पुलिस ले जाती है, रिया करते जेल में बैठा देते हैं। पहला कोई महात्मा को उठाने वाला कौन है? जो माता महान आत्मा बन गया वो उसका अशुभ कर भागाया जाता है। अब मैं बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ और मेरा कोई अशुभ कर भागाया जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, विनाश काढ़े बुद्धि विपरीत। तो मतलब जो ज्ञान देते हैं वो सब धन्य है, पूज्य, किसी के नुकता चिन्ह नहीं। और मैंने ये बता दिया आपको साफ कि मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, न कोई शास्त्र जानता हूँ, मेरे कोई अनुभव आ गया इस बात का है खेल क्या। तो इसे घूमते फिर सब काम करते हुए, सब काम करते हुए मुझे अनुभव आया। सब काम करते कैसे, सब कुछ काम, जो नौकरी करी अच्छी नौकरी, अच्छे ऑफिस अधिकारी पद पर रहा, सब कुछ किया, घर में पढ़ा, बाल बच्चे पाले, मकान बनवाया, सब कुछ किया और सब कुछ करते हुए सहज योगी हूँ। अब ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती हर एक आदमी को। सहज का मतलब कि मैं अभी सत्संग देता हूँ और उस ज्ञान में टिका हुआ हूँ, तो कोई सिंह पूछ लगे मेरे वैसे आदमी हूँ, कुछ बन गया नहीं, क्या सिद्धि आ गई ना, सीधे से ऊपर निकल गया। सिद्धि जो है वो आई है इस रस्ते में और आती हुई, लोग कहते हैं आप आते हो ये करते हो, मेरे में तो कोई सिद्धि है नहीं, वो जो अनुभव कर लेता उसको सिद्धि है। क्या मतलब, आप ईश्वर अंश हैं, जो भी चीज़ ध्यान से आप प्रकट करते हो, राम को करते हो, श्रद्धा रखते हो तो राम मूर्ति आ जाएगी। आप बड़े बड़े मंत्र बढ़ा देते हो लाखों रुपये लगा के, और अगर बालाजी को मानते हो तो बालाजी आ जाएंगे, और हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी आ जाएंगे, सब आ जाते हैं आपके अंदर। तो बात वो क्या है, मैं ये समझाऊँ कि वो आते आने वाला नहीं है। जो आदमी विश्वास रखता है उसके वो प्रकट हो जाता है, उसकी मान्यता है और उसके सब काम होंगे। अगर बालाजी को मानता है कि बस बालाजी महाराज से बड़े कभी हनुमान महाराज जी, तो जो हनुमान चालीसा पहाड़ी उठा ले आए थे तो बहुत भी शक्ति है उसमें, तो सबको मानते हैं। तो वो आपकी मान्यता है, वो आपके लिए ठीक है, सबके लिए नहीं है। अगर आप हिंदू राम को मानते तो आपके लिए ठीक है, राम देवी ठीक है, मुसलमान के लिए नहीं है क्योंकि उसकी मान्यता नहीं है। तो मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं तो मोहम्मद को मानने से काम हो जाते हैं।
तो मतलब यह कि यदि हिंदुओं की मान्यता है, मुसलमानों की मान्यता है, ईसाइयों की मान्यता है, वो मान्यता है उसकी, उसने मान लिया और उसका काम हो जाता है। पार से न तो कोई अलवान आता है, न कोई देवी आती है, न कोई मोहम्मद आता है, न कोई अली आता है, कोई आता जाता नहीं। क्योंकि क्या धरनी बिरबल, क्या अथॉरिटी है जो इतनी बड़ी देशों से चली आ रही है ये बात है, अब कैसे बदली कर आऊँ मैं। मेरा अनुभव है, क्या अनुभव है यार, मैं देखता रहा, सब कुछ सुनता रहा, शास्त्र गुरु का सत्संग सुनता रहा, आखिर में देखा ये तो शक्ति आदमी में है। कोई कहता बालाजी, बालाजी का भगत है, बालाजी आता, कोई कहता माता जी। मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है, जगह जगह अच्छे आदमी और घटिया आदमी सब है मेरे पास, हाईली एजुकेटेड भी हैं, जज भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सब मेरी बात तो सुनते हैं, वो फिर मेरी बात को नकल करते और मेरे बस कंटेक्ट करते कि कैप्टन साहब यार आपने बहुत अच्छा कहा। तो वो अच्छा क्या कहा कि मैंने रखनी नहीं है, गुरु जी कह गए थे सच्चाई बता देना, गुरु जी कह गए भाई तू सच्चाई बता देना, तेरा रोजी रोटी का प्रबंध है, अच्छी पेंशन मिलेगी, अच्छी नौकरी करता, सच्चाई बता देना है। तो मैं ये बस सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि आप में शक्ति है सजनों, अगर ईश्वर कहीं आप में है, बाल्यादि को आप पैदा करते हैं, राम को आप पैदा करते हैं, कोई राम रूप नहीं आता, अभी न कोई देवी आती है, न कोई भूत आता है, क्या कारण जब मैं जीवता नहीं जाता हूँ और कहते आप आए मेरे को मुसीबत में था, मदद कर दी, आप कहते मेरे को बहुत खतरा था, आपने सहायता कर दी, आपने मेरे को इस काम का ज्ञान दिया, आपने मेरे को लगे ऐसे नहीं ऐसे करो, वो एक मंजिल तय कर गया, मुझे कोई पता नहीं क्या कहा मैंने, जरूर प्रकट होता है जगह, मैं नहीं जाता तो मैं कैसे मानूँ कि कोई मूर्ति आती है, कोई आता है, ये तो आप में शक्ति, और आपको बताया जाता है नहीं भाई इधर नहीं, वो करो वो करो वो करो, और आप उसके पुत्र पीढ़ी ऐसी बात। तो मैं नई बात कर रहा हूँ इस ज़माने में, अभी क्या नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह किसी कहे कि बाहर कुछ नहीं आता है, आज तो कह सब कई कई आते हैं, वो आता है, वो आता है, सब मानते हैं हम लोग, हर बात भी ठीक है, आप मानते हो तो आपका काम हो जाता है, आप उसको ये मानते हो कि यही है परमात्मा, ये राम जो हमेशा से वो हमेशा कृपा नाथ से सब लोग, तो सबको जो इस मान्यता है वो आपकी वो शक्ति आप में, और आप उसको पकड़ देते हो, मेरी बात, ये अज्ञान है आदमी को, और इस अज्ञान के कारण देखो झगड़े हो रहे हैं, कोई इसका लड़ता है, कोई पार्टी लड़ता है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई है, तरह तरह का पंथ बढ़ गया। तो ये पंथ महात्मा ने अनुभव करके बताया, वो पंथ बता दिया, कोई निरंकारी हो गया, कोई आर्य समाजी हो गया, कोई राधा स्वामी हो गया, कोई सनातनी हो गया, ऐसे टोली बन गई अज्ञान के कारण, जो शक्ति मनुष्य के अंदर है, शक्ति आपके अंदर है, आप जो सच्चे मन से इच्छा करोगे आपकी इच्छा पूरी होती है, वेद दिया डिमांड दिया सप्लाई, जहाँ चाह वहाँ जहाँ मांग वहाँ पूर्ति, आपकी मांग होगी कि मेरे अच्छी कोठी बनाऊँ, कोठी बनाऊँ, इससे अच्छा विचार कर लिया कोठी बना दोगे, और किसी ने सोचा मैं लाल किला बनाऊँ, लाल किला बना दिया, किसी ने बोला ताजमहल बनाऊँ, वो बना दिया, मतलब सोचा बिल्डिंग वगैरह सब कैसे, देखो ना ये पूरा कंस्ट्रक्शन तो दिल्ली का, किसी ने किया मनुष्य ने, हवाई जहाज किसने कराया, टेक्नोलॉजी किसने बनाया, ये किसने बनाया, मनुष्य ने, तो मनुष्य में शक्ति है, जिस तरफ वो तवज्जो करता है उसको नई सोच सोचती है और वो कर लेता है। आगे मेरी बात सुन, आपके विचार में शक्ति है, आपको इसका यकीन नहीं, सुना क्या कहता हूँ, आपके विचार में सोच में शक्ति है और वो आपको विश्वास नहीं कि राम देवी हमारे पास ही अंदर ही है, मैं पैदा करने वाला हूँ, इसका यकीन है, इसको कहते हैं खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वगरना खुदा के पास व्यक्ति कैसी, तो उस परमात्मा को पास होने का यकीन आता ही नहीं, अगर यकीन आ गया तो किसका रात को आपको डर लगेगा, बेटियाँ जाती हैं रात को, कोई क्या कर सकता आपका, अगर आपको इसका भय ही नहीं है बिल्कुल से कोई तरह का, तो जब कोई भय वाला भी आ जाएगा तो भय वाला बैठ जाएगा उधर ही, कहीं कहते महात्मा जी रहते थे उधर, दो शेर थे जी, शेर थे तो शेर जो थे बिल्कुल से वो कुछ नहीं करते थे, और महात्मा के पास जाओ सोए रहते थे, बात पाल रखा क्यों, क्यों महात्मा से संगत करते थे, उसके लिए कोई शत्रु नहीं था, कोई कुछ संगत होगी, तो आपके अंदर शक्ति वो है जो राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवी कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं, वो सब की शक्ति आप में है, आप समझे कि नहीं, आपके विचार में है, तो आपको विचार का पता नहीं है, तो दुख क्या गया, आपको विचार का पता नहीं, कैसे कि जब आप खुश होते हैं तो अच्छा बात सोचते हैं, अच्छी बात करते हैं, अब गृहस्थी वाली बात करूँ मैं, अब गृहस्थी हूँ मैं, बस साधु वाणी महात्मा गौरी गुरु जो दाड़ा रख रहा क्या भाई उनकी बात को उसने ठीक था, उसको उनसे आत्मरी आ जाया नुकता चली नहीं किसी, अब वो आपके विचार में शक्ति है, अगर आप पत्नी से आज बात कोई बात होगी थोड़ी सी और कहने लगे जब आपका आपका जी माँ भी ऐसे करते थे, आपको गुस्सा आ गया, अब और के जाएँ तो कहाँ जाएँ, घर में बैठे हैं और मन ही मन में विचार करने लगे,
कि मेरे माँ का नाम लिया, इनको बात है मेरी माँ का ऐसा नाम लिया ऐसी थोड़ी थी, ऐसी थोड़ी वो बुरे विचार रखेंगे आप, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार होगा और वो विचार आपका रेडियो वेव की तरह रेडिएट होके और ब्रह्मांड में चले जाता है और किसी खास स्थान पर जाकर ये ब्रह्मांड की लहरा लहरें हैं सहरें इलाका बना हुआ है उसमें जा किसी खास लय पर जाकर ये वहाँ रुक जाते हैं। वो विचार वहाँ से कुछ समय के बाद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उचित समय पर कर्म बन के इधर आ जाते हैं। जो आपने गुस्से से सोचा था, पत्नी ने सोचा था या पति ने सोचा था ऐसे ऐसे तो आपके घर में वो आफत आएगी। क्या आएगी? वो जो गुस्से से सोचा था, बुरा सोचा था, उसका फल बुराई आएगी। क्या बुराई आएगी? समझो आप ये कार दे हो 15 लाख रुपये अचानक टूट गई, आप दुखी होगी, या एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, आप दुखी होंगे। आपका बेटा कहीं भेजा था वो नहीं पढ़ा, कहीं वो नहीं जगह शादी कर ली और खुले, आप दुखी हो जाएंगे। आपके प्रतिकूल जो मन की घटना होगी वो तो दुख, और जो आपके अनुकूल हो जाती है वो सुख। आप समझे, सुख है, हम खुशी होता हमारे मन की बता बात होगी, खुशी है, लड्डू बांट दो, आज ये बांट दो, आज ये बांट दो, ये करो, और कोई गलत हो जाती है मुँह बैठ जाती है मुँह, और आपने को ज्ञान है। अगर आपको पता चल जाए कि ये तो मेरा कोई गलत सोचा हुआ है, शायद मैंने को गलत सोचा है, तो फिर जब दोबारा विचार तो आएंगे तो ये पता कहाँ लगेगा आपको? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि, हाट कौन सी? सत्संग में चलो और वहाँ से ज्ञान और बुद्धि ले लो, ज्ञान और बुद्धि मिल जाएगा आपको, समझ मिल जाएगी कि यह चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होती, आपको दुख क्या है इस बात का है, सुख क्या है इस बात का है। सुबह सत्य के वो अनुभवी हो और आपका मन साफ हो तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आपके मन में हेरा फेरी है, भाई से दुश्मनी है, दूसरों दुश्मनी है, तो आप लेंगे नहीं, उसको रिसीव नहीं करेंगे। वो जो ज्ञान है वो तब करेंगे तो आपका मन साफ हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल साफ मन से सुन रही या उसको इष्ट मान रखा है कि परमात्मा यही बैठे, किसी गुरु को जीवते को अनुभवी को गुरु मान रखा वही है, यानी उसको परमात्मा क्या है? अकह अपार अगाध अनामी। वो परमात्मा जो अकह है उसका बयान नहीं कर सकता क्या है, अपार इसका कोई पार नहीं पा सकता, अगाध है उसका कोई था नहीं ले सकता, और अनामी है कोई नाम नहीं उसका, और हमने कितने नाम लिखा रखे, आप समझे कि नहीं बात? तो वो आप हैं, वो उसका अंश हैं आप, पूरा नहीं, पूरा तो मुश्किल होगा। सूर्य फल कर यहाँ आ जाए परमात्मा तो सूर्य चांद पैदा करता है, वो इधर आ जाए सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। तो उसका अंश मनुष्य है और मनुष्य में वो शक्ति है कि जैसे सोचता वैसे हो जाता। तो आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, शिव संकल्प सोचोगे अच्छा, तो आपका अच्छा ही में आ जाएगी। और किसी बात से आप अपनी पत्नी पर, भाई पर, बेटे पर, रिश्तेदार पर, पड़ोसी पर, नौकर पर नाराज़ होकर बुरा सोचोगे तो आपके लिए बुरा भी आएगा, नौकर के लिए बुरा जाएगा, आप समझे? तो छोटी सी बात है, पंजाबी में कहते अगर निक्की जी है ले वड्डी बहुत है, छोटी सी बात यह है कि बात छोटी सी है, क्या आपने विचार को वृद्धि करना है? आप ये सोचोगे मैं सोचूंगा नहीं, कैसे सोचोगे आप? आपको ये पता चल जाएगा मैं घटिया सोच रहा हूँ इसका फल बुरा है तो ठीक। सपोज इधर आग रखी हुई है, अंगार रखे हुए, आप जा रहे हैं तो आपका बच के जाएंगे उससे, क्यों? आपको पता पैर दिया जल जाएगा, आपको पता पैर दिया जल जाएगा, ज्ञान है ना आपको ये, तो आप उसमें पैर नहीं दोगे। जब आपको इस मेरी बात का पता चल जाएगा सोच नहीं पड़े सब कुछ, तो व्रत आज ही कर लो कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँ किसी बारे में, छोटी सी बात गुस्सा नहीं करूँ, कोई बात होगी प्यार से बता दूंगा, दो बताई छोड़ दूंगा। कि निक्की जगह तो यह है, निक्की जगह तो बड्डी बहुत है, क्यों? जाबो करो आश्रम, सुनबो करो, सुनबो करो, सुनबो करो, जाओगे किताबें पढ़ी बो करो, पढ़ी बो करो, कुछ नहीं आता है, समझ बात? तो मेरे यह समझाइए कि आप ईश्वर अंश हैं और ईश्वरीय शक्ति मनुष्य के अंदर या जिसको लोग करते हैं, और मनुष्य को इस बात का यकीन नहीं, पता नहीं है, तो कहाँ मिलेगा? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, कोई अनुभवी आदमी होगा और वो आपको ये बात बताएगा। इस समय पर संत का अवतार है, संत ने बतानी है, और अभी बताना है, बता ही रहे हैं, अभी अच्छी बता रहे हैं, पर किसी किसी को कोई ऐसा चक्कर आ जाता है तो संत भी लुढ़क जाता है, क्योंकि वो जो परमात्मा वो तो बहुत बड़ी हस्ती है ना, संत जो संत गति पर आ गया ईगो आ जाता है, मैं करता जी, मैं करता, मैं करता, मेरा आश्रम मेरा, ईगो आ जाता है वो गिर लुढ़क जाता है, और ईगो नहीं आएगा तो कुछ नहीं लुढ़केगा, और उसे बोले करे उसके साथ शरणागत रहेगा तो नहीं आएगा। तो आप में ईश्वरीय शक्ति है, आप चाहे सो बन सकते, क्या मतलब? जितने बड़े बड़े चाहे बढ़ सकते हो, अरबापति बन सकते हो, इच्छा रखो अरबापति बनूंगा, आपकी इच्छा बढ़ा देगी आपको आहिस्ता आहिस्ते चलते चलते, चलो वो कहते एकदम तो नहीं होगा,
पर आपको वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिल जाएगा, आपकी इच्छा में शक्ति है। आप चाहते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी राष्ट्रपति बनूँ, तो आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। आप मेरी बात समझेंगे नहीं, क्योंकि आप सोचोगे वैसे हो जाओगे। जैसे किसान खेत में जो दाना बाएगा ना, वही उगेगा ना। गेहूँ बाया तो गेहूँ, मकई बाया तो मकई, और ईंख बाया तो ईंख। तो जो हम बातें क्या रहते हैं, जो सोचते रहते हैं वो बातें रहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसे तुम बोओगे वैसे काटोगे। तो सत्य कराते कराते कबीर ने बात आई, लोग बैठे थे तो उनको सबको अपने चेलों को करने लगे, बोले बाय पेड़ बुबूड़ दे तो आम कितों खा, बाय पेड़ बुबूड़ के तो आम कहाँ से ले, तुमने दिया तो दुख चाहते हो सुख। गिव टेक का सिद्धांत है, इस हाथ से दूरी से ले लो, जो दिया सब मिलेगा ऐसे दे दो। आइए क्या समझ बात, तो इस असूल का पता चल जाएगा आपको, तो आप अपने विचार को ठीक कर लेंगे। छोटी सी गल है, तो अगर समझ आती है तो एक तो गुस्सा आज से निकाल दो, गुस्सा करोगे तो भूल जाओगे आप, उठपुट बोलोगे, अगला दिल दुखाओगे, ऐसी छोटे मारोगे, ताना लगाओगे, कुछ लगाओगे और वो तकलीफ होगी। तो ये छोटी सी बात यह है, आज ही बुद्धिमान आदमी हो आप, सबके से बहुत बड़े आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, धनी आदमी हो, कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत बड़े अच्छे आदमी आज मेरे सत्संग बैठे हैं आप, बहुत ही बड़े आदमी, क्योंकि उससे कोई कमी नहीं है किसी की। तो अभी आपको ये बताना चाहता था, आप में ईश्वरीय शक्ति है, आप सोचेंगे वैसे हो जाएगा। सोच को सुंदर बना लो, वो कैसे है कि नेगेटिव सोच जो है, नेगेटिव घटिया विचार हैं, उससे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी तो दुख है, और जो अच्छे विचार हैं उसके लिए आपके मन के अनुकूल घटेगी, ये दुख और सुख है। दुख से आदि दुखी तो दुख नहीं चाहते, इसलिए मैं पहली बात करता हूँ। और अगर जा तो मैंने ये बात करने की बात नहीं थी, मैं तो PhD का टीचर हूँ, तुमने कहा कि बोल रहा है मेरा नहीं कि आपके तो क्या ये होता है, तो कर्मों का है। मैं तो आपको वो बात बतानी थी, और वो बात नहीं तो आप पूछने के लिए आए, और ना आपको बतानी, क्यों आप बैठे हैं बस ही बोलूँगा आपकी मुताबिक। जो से बैठता हूँ जाता हूँ, वकील बैठे हैं तो वकीलों की तरह बोलता हूँ, डॉक्टर बैठे हैं डॉक्टर को कह देता हूँ, और इंजीनियर बैठे हैं तो इंजीनियर को कह देता हूँ, IAS IPS बैठे हैं तो उनके मुताबिक बोल देता हूँ, जैसे आदमी वैसे बोल देता हूँ। सच्चाई मेरे मुँह से निकल जाती है, इसका मतलब कि मैं जान के नहीं करता, पढ़ के नहीं आता हूँ कि मैं बताऊँगा। आप बैठे आपकी रेडिएशन आती है, टकराती है मेरे से, और मेरे मुँह से वही बात, तकलीफ यह कारण यह इलाज है, तो तकलीफ यह तकलीफ है बेटी और भाइयों, जो मैं समझाऊँ और वो शायद गलत हो, तो मुझे भी हाथ जोड़ रखे किताबों में लिख दिए कि कृपा करिए मेरा मार्गदर्शन कर दो। अगर मैं गलत करता हूँ लोगों को भकाता हूँ, तो कृपा करिए मेरा मार्गदर्शन करो, ताकि मैं लोगों को गलत नहीं दिखाऊँ। क्योंकि कितनी बड़ी मान्यता है, आज तक जो देवता आ गया फलना आ गया, कहाँ किसके देवता, आप देवताओं का देवता तो आप बैठे हो, देव का तो आप तो पार करते हो, आप बालाजी का भगत तो आप करते हो, देवी को मानते हो तो आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो तो आप मानते हो, तो देवताओं का देवता ईश्वर का ईश्वर आप बैठे यहाँ पर, ये मेरी समझ ऐसा आया। और अज्ञान का दुख और कोई दुख नहीं, तो इसमें संत मत में क्या मिलेगा आपको, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जो बात तत्व की वो मिलेगी। अभी जब मैं रिकॉर्ड कराता हूँ, ये बड़े विद्वान लोग पढ़ते हैं, भारतीय विदेशी जो खास करके हिंदी वगैरह जानते हैं अच्छे लोग, और वो इसको इंटरनेट पर सुनते हैं, अमरीका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जितने भी देश हैं, न्यूजीलैंड इत्यादि वगैरह सब UK के, उसमें से भारतीय जो रहते हैं, चार कैटेगरी के आदमी ज़्यादा हैं भारतीय, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक और प्रोफेसर, बड़े ज़्यादा लैंड आदमी, कई देशों में नहीं है, तो ये है काम करते हैं या कैम्ब्रिज वगैरह यूनिवर्सिटियों में, तो वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं, वो करते हैं करते। तो आपको मैं वो ऊँची बात बताई कि आप भूल में हैं, हम सभी, मैं भी शामिल हूँ आपके, मैं कोई महात्मा थोड़ी बन गया हूँ, तो आपकी कैटेगरी में मेरे समझ में आ गई बात, मेरे ये बात है, मैं सतगुरु की आठ कुदरती में तो गया भी नहीं था, ऐसे ही कोई बात से चला गया, खुश था मैं थरात में, छोटी उम्र थी, दाढ़ी आई नहीं थी, और 20 होने हुआ था, सलामा सूटा मिलती हमारे जमाने में अफसर की कदर बहुत थी, तो 15 साल में अंग्रेज़ों के नीचे नौकरी करी है, तो उस वक्त तो अंग्रेज़ की अफसर की बहुत ताकत थी और बहुत तक शक्ति थी, तो वो उनके ज़माने में था, वो उनके ज़माने में गिफ्टेड आदमी, मौका मिलता गया और काम करके आ गया। तो न कोई महात्मा हूँ, न कोई मेरा आश्रम है, न मैं किसी को कोई नाम देता हूँ, मेरा सत्संग नाम है ये जो मैं देता हूँ, यही नाम ना, अगर मेरे सत्संग को समझ ले तो नाम दान हो जाएगा, और वो अनुभव करना चाहता अनुभव हो जाएगा। अगर कोई इस अनुभव के लिए बैठे आया गया कि अंदर भी क्या चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, तो जिस चीज़ को लिए बैठा वो मेरे रेडिएशन से अनुभव भी हो जाता है, तो मैं तो करता नहीं, वो कहता आपकी कृपा से आज तक तो नहीं, 15 साल हो गए नाम लिया, आज आपकी कृपा से गुरु जी का रूप आ गया, प्रकाश आ गया, कोई कहता मेरे वो रामनाम आ गया, ये आ गया, और मैं सोचता हूँ तो गया नहीं, तो कुल रहता वो तैयार था पहले से, और रेडिएशन से हो गया, मेरा ये रेडिएशन से काम हुआ है। तो मैं लंबी छोड़ी कहानी नहीं बताऊँ, क्यों क्यों आता था नहीं, मैं वसरता नहीं करूँगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ईश्वर अंश हैं, आप में शक्ति है,
राम रहीम मोहम्मद साहब और इस्लाम के जितने हैं ये मन के मंडल के साधन हैं, इस मन के मंडल पर चले आइए। रामायण ये बताया इसमें शरीर मन और आत्मा तीन चीज़ बने। कलयुग का संतों ने देखेगा आत्मा प्रकाश है, प्रकाश प्रकाश को क्या देखेगा, तो देखने वाली चीज़ को और है। तो उनने फिर आगे थोड़ा जंप किया, यहाँ तक असाधन था तो ये मथ इधर तक आ, ये सतलोक का प्रकाश जबरदस्त, कई तरह के प्रकाश हैं, कई तरह के लोक हैं। और ये साधन करते करते फिर भी कहा नहीं, ये तो अनुभव याद बोले आप तो बीच में फंस गए, जो आपका मुकाम है जहाँ परमात्मा जहाँ जाना चाहते वो नहीं, तो वो कहाँ इससे आगे, इस आनंद को छोड़ो, तो आनंद को छोड़ के ऊपर कोशिश करेगा जाने की, तो ये बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है, ये जगह है, इस जगह पर आ जाता है। और इस जगह पर जो पीछे के प्रकाश प्रकोष रूप रंग वगैरह सब खत्म, और यहाँ पर एक स्वीट वॉइस आती है और वो वॉइस को सुनते रहते, वो चलते 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 बोधी के पास आएगी और उसी मिल जाएगी। तो वो उसको अबार का अगर सत्य ने बुलाए तो आज मुकर शब्द क्या रखा है, शब्द भी प्रकट है, सब कुछ प्रकट है। अगर बार का गुरु ज्ञान नहीं देगा तो कुछ नहीं आएगा। अगर ये गुरु नहीं बताएगा पहले स्थान पर तुम जाओगे तुम प्रकाश आएगा, ये आएगा तुमको तारे देखोगे, चांद देखो, सूर्य देखो, ये देखो, तो कुछ नहीं आएगा आपको। बाहर का गुरु सत्संग देगा, और सत्संग देगा तो उसको आगे का रास्ता मिलेगा। तो संत मत में सिर्फ कलयुग में ये माना है कि किसी जीवते जागते पुरुष को इष्ट बना लो और उसको वो मान लो। अगर वो मंजिल तो दूर है, क्यों, उसके लिए चरित्र की ज़रूरत है। किसकी, ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य हमारे देख सकती है, एक दिन भोजन करा तो एक बूंद खून की बनती है किसी उम्र तक, और उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो ब्रह्मचर्य किस लिए है, हम अपनी जैसे संतान पैदा कर सकते हैं। अगर संतान पैदा करने के लिए तो बहुत ऋषि मुनि थे, वो भी ब्याह शादी करते थे, तो वो इतनी ज़्यादा दर्द संतान नहीं करते थे। जरूरत के मुताबिक संतान होगी, फिर पति पत्नी दोनों दोस्त की तरह रहते थे। तो अगर पति पत्नी इस तरह दोस्त की तरह रहेंगे तो प्रेम रहेगा, वो जिद जाएगा पति पत्नी भी थे साथ साथ, पति लड़ाई की उठी बात नहीं करेंगी। तो क्यों, कि वो ज़्यादा इसका इंजॉय करने से और मन से चढ़ा हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, वहम होने लग जाते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, और कमजोरी आ जाती है, वीकनेस पर रोग भी अटैक कर जाते हैं। तो इसका ज्ञान आदमी को, इस बात का ज्ञान, देखो जानवर है, एक हाथी है समझो या ऊँट है या गाय है, तो जो सांड आएगा तो आगे सूंघता है और देखता है कि इसकी इच्छा नहीं, चले जाएगा, देखो कितना नेम है साहब, उसकी चाह है तो जाएगा, नहीं जाएगा, अब तो वो ज़रूरत है भी, और उसके बच्चा रह सकता है तो जाएगा, नहीं जाएगा। और अन मनसा आदमी आप देखते हो आप में क्या है, हम सब एक ही है ना समझ। तो अगर इसके ऊपर कुछ को ज्ञान समझ आ जाए तो फिर वो ठीक है, फिर बोला ये मरने के लिए है, ये शक्ति निकल जाएगी, बैम उठेंगे, चुनरे सपने आएंगे, डर लगेगा, भय आएगा, इस तरह कोई देखने को आने जा, कोई आने जा लूटने लिए नहीं डर रहेगा, और उसको डर नहीं लगता। ब्रह्मचारी एक शक्ति वाले को डर नहीं लगता है, तो इसलिए उसके ये बात शुरू से समझ आ जाए कि ब्रह्मचारी तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है, स्वाद के लिए नहीं है। तो एक दफ़े मैं कहीं सत्संग दे रहा था लंदन में, कहीं किसी के कुछ दे रहा था, तो देते देते एक इंजीनियर कॉलेज थी, तो मैं बोला भाई ब्रह्मचारी का पालन करना जरूरी है ज़रूरी है। तो एक लड़का खड़ा हो गया बाद में थोड़ी देर में, बोला व्हाट इज़ द अदर टर्म, और टर्म क्या इसके अलावा, भाई जो ब्याह शादी पति पत्नी के सिवा क्या टर्म, अदर टर्म है और क्या, वो है पर तुम पूछेगा नहीं, बोले क्या, वो ये इस जगह से है, ओम भूर भय स्व तत्सवित्र वर्णम भर्गो देव से धी मई धियो जो ने प्रचोजात एम से तो जागते सपने और सुस्वती गरी नींद से परे एक सूर्य है उसका दर्शन करो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी, वो है मुकाबला दत्ता, पर तू कर नहीं सकता, पूछ नहीं सकता इस बात की, आप समझे कि नहीं, सवाल करिएगा कि यही तो जवाब है, अगर ये नहीं भाई कामुकता नहीं भोगे क्या जिंदगी है, तो उसको बताया वो यहाँ भाई उससे ज़्यादा बड़ा ये तो एक बार भोग लिया डेढ़ मिनट का अंदर फिर ढीला पड़ जाओ, शक्ति निकलेगी सब, क्योंकि एक बूंद खून की से एक दिन से पैदा होती है, 40 बूंद खून की 40 दिन से पैदा होती है, और 40 बूंद खून की इकट्ठी होती है ऊर्जा आती है, ऊर्जा मानी शक्ति, उछलेगा नाचेगा काम करेगा पढ़ेगा लिखेगा सब कुछ काम करेगा, और वो खून की कमी है नहीं करेगा कुछ करेगा कमज़ोर होगा, और उसी से एक बूंद बीज की बनती है जिससे आदमी पैदा होता है, कितनी कीमती चीज़ है, और उसको ज्ञान आदमी खो देता है इसे कमज़ोर रहता। तो एक दूसरा ज्ञान ये आदमी को, ये ज़्यादातर मनुष्य को तो राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, करोड़पति सेठ से लेकर के अनपढ़ तक, मतलब तो मनुष्य मात्र को, पूरी मनुष्य जाति दुनिया की जो है, मैं आपको रिलीजन ऑफ ह्यूमनिटी बता रहा हूँ, यानी क्या कहते हैं विश्वव्यापी सत्य, विश्वव्यापी सत्य है कि जितने मनुष्य हैं मनुष्य दुनिया के सबको एक ही तरह का दुख है अज्ञान का, ये जो मैं बताया उनको ख्याल नहीं है कि पर ईश्वर मेरे अंदर, अरे किसी ने बताया बताया तो इधर करो ये करो वो करो, क्रम कांड बता दिया।
तो वो जो आपके अंदर ज्ञान है वो आपका हमारे नहीं है। मैं वो आपको बताऊँ तो यूनिवर्सल एक तो मान्यता है, तो मैंने बताया मान्यता आपकी ठीक है, देखो आप तक है वो, आप अब कुछ दिन रहेगी फिर नहीं रहेगी, टूट जाएगी मान्यता, ठीक है कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, क्यों मान्यता देव नहीं भीतका देव, तो शक्ति आप में मानोगे जब तक वो काम होगा, पर वो जो आपकी मान्यता है सबकी नहीं है, अब आप सबको चाहेंगे तो वो क्यों करेगा सब, तो वो मान्यता आपकी है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वो मान्यता क्या, शक्ति आप में, आप मेरी बात समझेगा नहीं, शक्ति मनुष्य के अंदर, मनुष्य देवी करती है, भगवता करता, फलाना करता, ये करता वो करता, पितर आते ये आते, कुछ आवे न जावे ने, संतो कहीं आवे कहीं जाए बोले रही खबर करो, राजस्थान में कहते क्या आता है क्या जाता है, ये बोलता है इसको जान लो, अरे छोटी सी गल है, कहीं जाने की जरूरत है, पहाड़ा में फिरने की जरूरत है, कोई और नहीं, किसी अनुभवी के संगत बैठो और जान लो कि जान लो ये क्या है, इसको जानने का ये कोर्स है, इधर से ये कोर्स यहाँ शुरू होता है और छोटी तक का है, आई समझ, मैंने बताना तो नहीं था, आप आए नहीं, पर डॉक्टर कमला जी कहते हैं सबको बता दो, संस्कार तो दे दो, कोई बताओ तो आज कोई बता तो दो कोर्स पूरा, वो भी मामूली बात है, बोले बताओ तो आप, ये डॉक्टर कमला जी मेरी बुक कर लिखी और इसने लिखा है, मैंने तो लिखता ही नहीं था, वो क्या किसने लिखा इस बात को, कौन समझा है, ये एक लाओ उत्सव महात्मा है चीन का, उसने कहा सच्चाई बताई नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, केवल अनुभव किया जा सकता है, तो क्या कदर करते हैं लोग, तो वह बात है आप में बड़ी सच्चाई है, आप में शक्ति है, और ये बात मेरे को हुक्म था गुरु जी का सच्चाई बता देना, तो नहीं तो सजनों मैं आपको सच्चे बता आपके दर्शन करने आया हूँ, समझे कि नहीं, क्योंकि आप इस रंग से सब समझा कि मेरे को महात्मा नहीं, वो आपने बैठा दिया बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपका दर्शन करने के लिए आप जाता हूँ कहीं भी, तो मैं पहले कहता हूँ भाई मुझे महात्मा नहीं हूँ, मैं तो साधारण आदमी हूँ, अधिकारी हूँ, सेना का ऑफिसर रहा हूँ, और दूसरी बात है नौकरी करिए अच्छी पेंशन मिल जाती है, न मुझे कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है ना आने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे बता, तो आज क्या नई बात बताई, जल्दी समझिए ना आपने, आपके विचार में शक्ति है, दूसरा दुख क्या है, अज्ञान का दुख है, क्या ज्ञान है आपको, ये अज्ञान है कि भाई क्या हूँ क्या नहीं, आपको अज्ञान का दुख है, विचार का दुख, रहने का दुख बता दिया, घर में बता दिया छोटी सी बगल जो रोज रहते पति पत्नी हम सब गृहस्थी है ना हम, तो दूसरा आपको बताया मैंने कि उसका ज्ञान है आपको सबको, और इसीलिए क्या होता है कमजोरी आ जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा उठा है, नाराजी हो जाती है सबके साथ, भाई भाई की नाराजी, बाप बेटे की नाराजी, तो नाराजी क्या अच्छा सोचेंगे, नाराजी बुरा सोचेंगे नहीं, तो उसका भी बुरा होगा अपना बुरा होगा, आइए समझ, छोटी सी बात है, तो एक तो ये बात आदमी के लिए क्या है कि वो अज्ञान से दुखी है, अज्ञान क्या क्या सोचता हूँ उसको पता नहीं, जो घटिया सोचेगा वो तो फल तो मन के प्रतिकूल होगा दुखी होगा, और जो अच्छा सोचोगा मन का अनुकूल होगा, जो मन का अनुकूल हो गया तो आप खुश हैं और प्रतिकूल हो गया दुख है, और वो कहाँ से आया है भाई, परमात्मा हमारे सब कुछ दे रहा, परमात्मा दुख दे रहा है, परमात्मा किसी को दुख देने वाला ये चीज़ ही नहीं है, परमात्मा तो आप बैठे हैं स्वरूप में इंद्र, तो ईश्वर अंश आप हैं, इसको कहा भी है महात्मा ने, यह बात ही मैं कह रहा हूँ, दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं है, महात्मा ने पहले भी कहा, तो आपको पहले कैसे कहा, पहले ऐसे कहा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास दिखता है, गोस्वामी तुलसीदास एक तो भाई दिखता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया बस बंदे गुस्साई आप ही बंदो बरकट की लाई, उसका मतलब ईश्वर अंश है, चेतन है आप, विमल हैं, सहज हैं, सुख राशि है, कोई दुख का नाम ही नहीं आप, तो किसे बने सो माया बस माया क्या हुई, आप बिना मरकट कहते बंदर को, कि बंदर की तरह कब बन गया, कैसे बन गया, बंदर आता है देखता मटके को लड्डू पड़े तो आज तरह से हाथ को ये ऐसे दे करके ऐसे और मुट्ठी भर लेता है, मुट्ठी भर लेता है, अभी जब चलता तो घड़ा तो मुट्ठी खोलता नहीं और वो घड़ा साथ रहता है, मुट्ठी खोलने का ज्ञान है, मुट्ठी खोलने का ज्ञान है ना, इसी तरह से हमको सबका ज्ञान है, हमने मुट्ठी भर रखी है सबकी, क्या मुट्ठी भर रखी है, एक चीज़ की नहीं, ये बात जानते समय हम भूल जाते हैं टाइम पर, वो क्या मुट्ठी भर रखी है, मेरा घर है, मेरा क्या ज़मीन है, ये मेरा हिस्सा है, मेरी कमी सा मेरा पुरस्ट किसने दिया, मेरी पाप घड़ी किधर गई है, मेरा 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 क्यों कितने कह दिया, और इसका क्या है, दो मिनट हवा निकली वो इधर रह जाएगा सब कुछ कुछ, इसका ज्ञान है कि लाखों रुपया आपके पास बैंक बैलेंस है बहुत कुछ सब, अब हवा निकली पूरे बैंक बैलेंस रह गया सब, समझे कि बात, तो पहले महात्माओं तो कुछ और बात कही, क्यों वो तो फकीरी में थे, वो कहता चट डाल मालो धनको दमड़ी रख कफन को, जिसने दिया तन को कोई देगा कफन को, घर छोड़ के चलेगा बुद्ध से, लेकिन अब घर छोड़ने के लिए कलयुग में संतों का ना, अभी घर में रहो, बच्चों का पालन पोष करो, कहीं जंगल में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और ये सेवा करो, सत्संग सुन लो, और घर के अंदर वो साथ दो कम, या अनुभव घर में ही कर लो,
बाल बच्चे हैं वो सबके सब सेवा करेंगे। और ये निश्चय हो जाएगा आपको सत्य कराएंगे कि इनमें एक मेरा नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। ये कैलेंडर दिखाया मैंने, कैलेंडर भी देंगे आपको, उसमें लिखा है सभी आपने, कोई अपना नहीं। तो एक आदमी सवाल करेगा, ये आपने ये लिखा, हाँ भाई बताओ आप, पता है कि नहीं पता है? बोले जी पता तो है। तो फिर मेरे को क्यों बूढ़े आदमी को बुला रहे हो? आपको बताया तो नहीं बताइए, वह बात पूछो। तो बात क्या है, सभी आपने तो इसलिए हैं क्या, इसीलिए हमको सबकी ज़रूरत है, भाई की, दोस्तों की, पड़ोसियों की, सबकी ज़रूरत है, रिश्तेदारों की। लेकिन हवा निकली फिर वो किसी कोई हमारा साथ नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा उस वक्त। तो बात यह है, ध्येय यह है कि बात मनुष्य इस जिंदगी में रहते रहे ज्ञान प्राप्त कर ले, और ज्ञान मिलेगा किसी अनुभव की संगत से, गुरु की संगत। गुरु का मतलब आदमी का टोपी लगाने से मतलब नहीं मिलता, या बुराई करने से नहीं मिलता। संतों ने कहा छोड़ो इसको, ये कपड़े कपड़े वाली बात तो पाखंड हो गया। तो जो कलयुग के संत वो सीधे साल ड्रेस मारते हैं, और आखिर से पहला कुल आया कबीर आया, दिन भर तो बेजा ठोकता था और वो ज्ञान का भंडार हो गया, अनुभव करता था रोज़। फिर गुरु नानक होया, वो भी गरीब आदमी से था। फिर दादू पट्टू रायदास जूता ही गांठता था, और वो परम संतों में शामिल हो गया। तो मतलब वो ईश्वर का सबके अंदर है, एक चपरासी में भी है, IAS में भी है, एक करोड़पति सेठ में भी है, और एक गरीब में भी है, वो इसके अंदर ईश्वर अंश है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है, अज्ञान को छोड़ के ज्ञान। और मिलेगा कहाँ, किसी अनुभव की संगति है। पहले गुरु कहते चल सतगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि दीजिए, गुरु के पास जा करके ज्ञान दिया जाएगा और उससे समझ दिया जाएगा, वो बता देगा आपको। तो मैंने दो तीन बातें बताई हैं आपको, ये कौन सी बताई है? एक तो ज्ञान क्या है, क्या सोचते हैं, जो घटिया सोचोगे गुस्से से, पत्नी के प्रति, पति के पत्नी, बाप के प्रति, बेटे के प्रति, भाई के प्रति, या किसी रिश्तेदार के प्रति, या किसी दूसरी जाति वाले के प्रति, जो बुरा सोचोगे तो उसका फल घटिया नेगेटिव आएगा। और ये बात पता किसी को नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ ये पता नहीं है। देखो हमारे MLA MP जो भेजते हैं चुनी करके, आप जाओ राज करो, राज करने जाते हैं, जब तो जाके हाथ जोड़ के सही वोट दे, वोट दो ले गए, और दादा दादा भूल गए इस बात को, कर्तव्य को करते हो भूल करके, वो लड़ते हैं वहाँ पर लड़ाइयाँ करते हैं। जब राष्ट्रपति ने कहा भी था क्यों लड़क्यों रहे हो, तो लड़ाइयाँ करते हैं। तो वो क्या ज्ञान में है, वो आप जाके भूल जाते हैं इस बात को, आप समझेगा नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो जनता तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा करेगा वैसे प्रजा करेगी, बड़े आदमी करेंगे हम भी वही करेंगे, इन बड़ों की नकल होती है। तो उनको भी अज्ञान है कि तो क्या 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 ज्ञान है, वो तो बोलते हैं एक पार्टी दूसरी बुराई करती है, क्या करती है, भाजपा खराब भाजपा खराब भाजपा खराब भाजपा खराब भाजपा, कांग्रेस खराब कांग्रेस खराब कांग्रेस खराब। अरे तो कोई अच्छाई तो होगी, कोई अच्छाई हो तो बात बताओ, साथवा भी है भाई, अच्छाई तो ये बुराई है, वो अच्छाई को नहीं बताओ। इसलिए एक राज पर आया और वो बुराई करने से थोड़ी देर बाद सड़क पर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ये सत्संग को जयपुर में दिया था, एक मंत्री जी थे अभी भी, वो गाड़ी चलना शराब, तो उस राब की कोठी बुलाया, वो मेरे को दोस्त था, उसका खास आदमी था डॉक्टर गर्ग। तो कहने का वो कैप्टन साहब है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, समय का सहयोग गेर ये वो, तो लाया यार बुला। तो मैं उन्होंने घर के में चला गया जाके सत्संग करना, वो कहाँ है वो आप बता रहे थे MLA हमारे MP आए, बोले नहीं पाँच चार MLA थे, कोई दो चार MP बैठे हुए थे। तो वो अपना कोई और ही मतलब था उनका, चलो ठीक है तो आ जाओ फिर, मोर बाल बच्चे तो होंगे सब के, हाँ बुला लो। तो मैं सबको सत्संग दे कर फिर उस राजनीति पार्टी पर दिया, वो ये धक्का क्यों खड़े हो भैया, आप तो जो दिमाग में जो भरी हुई वाली चीज़ है, जो आप बीज बाते वही तो होगा, देते तो दुख और चाहते सुख हो, एक दूसरी पार्टी को दुख देना दुख है, वो अभी उसका दुख देती है, तो बुरा बुरा कहते तो जो कुछ कहोगे तो वैसे हो जाओगे, ऐसे उंगली करोगे उसका चरित्र खराब है, चरित्र खराब है तो आपका हो जाएगा, आप कहते चोर है चोर है तो आप चोरी कर लग जाओगे। इन मतलब जब तू होता किसी शख्स पर ऊँक सुनूँगा उंगलियाँ तीन झुकी रहती तेरी जानब, अरे भाई जब किसी तरह उंगली करता तीन ओगन तेरे में। तो दूसरे की जब हम बुराई करते हैं वो बुराई आ जाती है सजनों, जो दूसरे की बुराई देखते ना बड़ा आदत है, दो चार बात नहीं बताई तब तक स्वाद नहीं आता। और पड़ोसी हैं बेटियाँ बैठी हैं, खैर आप तो बड़े घराएँ की हो इसी नहीं हो, मैं गांव का रहने वाला देखता हूँ लेडी क्या करती है, कोई बात हो ये रखी है घर में रात को, उसको पता बोले बुआ जी बात सुनो बुआ जी हाँ पता आपको क्या कल उनके साथ ऐसे ऐसे होया। फिर थोड़ी देर के बाद आगे जाती है काकी जी बात सुनो मेरी, सुनी थी ना पाँच चार को नहीं बताया कि रोटी अदब को नहीं होती। तो हमारा काम क्या है कि ये देख एक बुराई करना है, बुराई करने से बुराई आ जाती है, अच्छा इच्छा जी राम राम करने का राम आ जाता है तो बुराई करने बुराई आ जाती है। तो हमको इसका ज्ञान नहीं है, मैं बता रहा हूँ ज्ञान क्या है आपको, और वो चाहिए ज्ञान है ज़्यादा नहीं, तो मेरी पुस्तक ले आई है, इनके तो भरा पड़ा पूरा ज्ञान, पर पढ़ेगा वो पढ़ेगा चार बार उसको घर में पढ़े जिसके बाद फुर्सत है
और जिसको नहीं है वो एक ही पुस्तक पढ़ लेना, वो दे देगा आपको, ये मनोज सिंगल है यहाँ पर आपकी कॉलोनी में, ये मेरा काम कर रहा है यहाँ पर, ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो ये कर रहा है। अब मेरा सत्संग आप सुन रहे हैं, जो आपको अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं, मैं जो अच्छा नहीं लगा तो वो सत्संग नहीं है, और आपको अच्छा लगा तो अच्छा। तो अगर मेरा सत्संग अच्छा लगा तो मेरी किताब पढ़ना पूरा उसमें मिलेगा, बोलते दो बात बता रहे हूँ अभी, और बाकी सब चीज़ों का आपको पता हो जाएगा कि क्या कमी है मनुष्य में, जीवन जन्म से पैदा कैसे हो रहा है, उस वक्त से लेकर के जैसे ख्याल से बच्चा पैदा करे वैसे बच्चा होगा, और फिर बच्चा वहाँ पेट में जैसे बाँ करेगी वैसे बच्चा होगा, और फिर जब मर जाता है शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है वो, तपा रहे तपा काय को खपा, अंत समय पता नहीं क्या होगा। अंत समय में अगर गाय पालते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गाय आ गई तो गाय की जोड़ी में चले जाएगा, और पिल्ला पाल रखा है कुत्ता ही करता गुस्सा है, और अंत समय अगर कुत्ता ख्याल बाज जाएगा तो कुत्ता ही जोड़ी में चले जाओगे, अंत बता सो गता, और राम राम समरोगे तो राम आ जाएगा, इष्ट को शांत करो इष्ट आ जाएगा। तो अंत मत का आती है धर्म से पहले पहले संस्कार दे रखे किताब में मैंने, पहले माँ जैसे सोती छोटी पुस्तक लिखे सुखी जीवन का रहस्य, सुखी जीवन का रहस्य, सुखी जीवन का रहस्य क्या है, रहस्य एक आधा सुख तो हमारा आधा हमारी संतान का है, अगर हम अच्छी संतान पैदा कर ली तो सुखी होगी। बेटा पूछता माता जी कोई चीज़ लाऊं आपके लिए, मैं ये करूं माता जी ये करूं माता जी, तो माँ आशीर्वाद देगी आपको फूल बांध देगी। तो आप सब बड़े आदमी हैं, हमेशा सभी बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो, दिन के पहले उठ करके माँ बाप है, माँ है बाप है चाचा चाचा ताऊ है, किसको उठ के चरण स्पर्श करते हो कि आशीर्वाद दे मैं सुखी रहूं, आशीर्वाद मांगते हो कोई कि बड़े आदमी हो आप कैसे मांगोगे। तो माँ बाप का बदला दे नहीं सकता कोई सज्जनों, गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु ही वो आदमी के वो ज्ञान देते हैं, अरे माँ बाप का सम्मान नहीं करते, वो कुटते रहते हैं शीश देते रहते हैं, देख लो सोच रहे रोज की बात आप क्या करते हैं। आज से अगर समझ आ जाए तो आज से गलना शुरू कर दो, कल जाओ उठ खेल के आप उठ खेल जैसे भी चलिए जाके चलो आशीर्वाद दो मेरे को, ये आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो मेरी तकलीफ ठीक हो, आशीर्वाद दो मेरे को ये बस, तो आशीर्वाद मांग लो, धन की कमी है तो जो चीज़ चाहती है उसका आशीर्वाद मांग लो, और नरमी से रोज़ के लिए सुबह कर लिया करो, गर्मी चबूतरा गर्मी रोज ही आपको आशीर्वाद मिले, किसका बात हुआ देगा आपको आशीर्वाद, आइए समझें। तो मेरी बात समझ आइए, बेटी आ रही है सास है, सास के नाराज जी छोड़ो नाराज जी को, सास सोच चढ़ चढ़ कर माता जी जो कुछ मैंने पहले करा वो गलती होगी मेरी, आज से आगे कोई बात नहीं मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, छोटी बन जाओ और उसको चल स्पर्श करो, वो आशीर्वाद देगी आपको। आप सास को खुश नहीं करती, वो स्वयं वो बैठी रहती है, वो इविल थिंकिंग करती रहती है आपके प्रति, आप मेरे को क्यों पूछो बाबू, अभी अपना खुद करती है बच्चों खड़ा है हमारा कौन पूछे, वो गलत सोचती है वो दोनों पर आता है घर में आप फंसती, ठीक है ना। तो बड़ों के सुबह कहते सम्मान करो, कहते बाद बानसीब पेद बेनसीब, सम्मान करता वो धनवान बनता है, हर एक को सम्मान करता कोई अच्छा आदमी है, और बैठे हैं कोई चाचा बैठे कोई दोस्त बैठे कोई गुरु जी बैठे ताऊ जी पाए लागू, इतना ही दूर से बोल देगा तो वो खुश हो जाए, ये किसका है फलाने का लड़का है, ओहो मारना तो कोई करे भैया तो देखो सोए करे, दादाजी पाए लागू गाड़ी में जा रहे हो चलते चलते कर लेते हो, तो इज्जत सम्मान है। तो सुबह उठ करके चरण स्पर्श करना शुरू कर दो, छोटी सी गल है पंजाबी का गल निक्की जी है अरे बड्डी बहुत है यार, छोटी सी है अरे बड्डी बहुत है, अगर सुबह के टाइम पर आप जाएंगे चरण स्पर्श करेंगे माँ को बाप को चाचा को, और वो आपके बच्चे भी देखेंगे वाइफ भी देखेंगे सब देखेंगे, तो वो नकल करेंगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर इशारा करोगे तो मैं कहता हूँ माँ को आप नहीं करती, पत्नी को भी शिक्षा दोगे कि उसको करने से आशीर्वाद ले ले दो, आइए सुनो। तो ये छोटी सी बात है, देखो हमारा कल्चर भी कल्चर कहाँ गया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रह गया उस वक्त, वही बात आशीर्वाद देने का तरीका भारतीय जो लिटरेचर है या जो ये अध्यात्म ये दुनिया का गुरु है, ये सबसे पहले इसमें चला है, और ये जो चौथी पीढ़ी मतलब चौथी शिक्षा दे रहे हैं कि नाम कहाँ पर है, मैंने बताया ना आपको शरीर मन और आत्मा सूरत, इस सूरत का अभी तक ख्याल नहीं है लोगों को, अभी भारत में चले आ रहा तो चले तो कबीर की टाइम पर ही था, लेकिन उसकी बेचारे बात चलने नहीं दी, तो पंडित पुरोहित थे उनकी रात दरबार में मांगते कोई दे जी बड़ा महात्मा जी किसे महात्मा है, सारे दिन बेजा ठोकता है, मैं 14 क्लास पढ़ के आया 14 विद्या पढ़ाओ ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो पंडितों की चलती थी वो कर्मकांड बोल दिए इधर, जिस टाइम पर तो ठीक थे पंडित कौन है, आज का संत उस गति का आदमी होता था। गुरु नानक देव ने कहा इसके लिए पंडित किसको कहते थे, पंडित वो जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म सोदे हरि की कथा हृदय बसावे, सौ पंडित फिर जोड़ी आए चारों पंडित को दे उपदेश नानक तो पंडित को सदा देश, तो पंडित वो जो आज का संत है वो पंडित होता था।
तो सजनों बात क्या बता रहा था मैं, एक कभी वैसे बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मन महाचंचल में गिरती है तो हमारी जो वेटेटी गिर जाती है। और अभी समझने का तरीका क्या है कि जिस उम्र में आप है अभी, अभी से समझ जाओ। क्या समझ जाओ? चरित्र का ख्याल रखो, ब्रह्मचारी। बच्चा पैदा कर रहा तो गृहस्थ भोगो, नहीं पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करो, अच्छी सेवा करो, भैंस की बोलो, खुशी रहो, कभी स्वैलिक फेस रहो तो आप सब दरबार पाओगे। हमेशा हर बात के अंदर कभी मतलब फ्रॉड मत हो, गुस्सा मत करो। एक छोटी सी बात बता दी, छोटी बात, हमेशा खुश रहो। और जिस घर में सुख है उसमें सब कुछ खुश है। पहले भी कहा बात पाऊँ, मैंने कहा पहले कहा, रामायण की चौपाई भी कहा है, सुगो स्वामी तुलसीदास जी, जहाँ सुमति तान संपत्ति नाना, जिस घर में सुमति में सब खुश है, कोई किसी नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, संभाली फेस, जहाँ सुमति तान संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तान विपत्ति नाना, कुमति मानी गुस्सा मनी नाराजगी मनमोटाव, समझा कि नहीं। घर में भू नाराज है तो कोई भलाई को नहीं, बेटा नाराज है कोई, पिताजी नाराज है कोई भलाई नहीं है। इसलिए सबको ये बात समझ आ जा कि नाराज होने से घर में तकलीफ आएंगी, किसके लड़ना किसका झगड़ना, चार दिन की ज़िंदगी है, अच्छे प्यार से गुजर जाए, है नहीं समझ बात। तो इस ज़िंदगी को सुंदर बनाओ, करी मैं ज़िंदगी सुंदर बनाने की बात कर रहा हूँ। अभी असली देह तो कुछ और है, सत्संग का असली देह क्या है? असली देह ये है कि मनुष्य आया, मनुष्य रूप आगे आ करके, और मनुष्य जो ऐसी है कि ये अगर चाहे तो जहाँ से आया वहाँ पर ज़िंदगी में जीते जी अनुभव कर ले, जीते जी उसमें मिल के देख ले, जाके परमात्मा में जाके देख ले। और देखने का तरीका क्या, इधर से शुरू होता है, इधर से पहला स्थान है सहस्त्राकार कहते हैं, हजार पकड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं है, मन है, मन पर हजार उतरे के संस्कार निकलते हैं, आती हैं जाते आते जाते थे, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ घटिया आते हैं, कुछ बढ़िया आते हैं, सारे दिन हमारी जिंदगी विचारों पर है, विचार नहीं रही जिंदगी नहीं रही। तो कुछ लोग इस लोक में जब रहते हैं तो मतलब विचारों का लोक है, इस लोक में सुखी रहना तो विचारों को सुंदर बढ़ाओ। शिव शंकर मस्तु, सुंदर सुंदर सोचो, घटिया सोचो मत कभी, सपने नहीं देखे पर तो रामायण में लिख रहा है ये बातें। मैम बिरली को बताते ना, वो राम नवदा भक्ति वो यही है। और फिर बाद चल के बताते हैं दसवीं, दसवीं कला जानने के बोले शिवरी सुन बात भाई, नौतरे भक्ति ने बता दी। हाँ तो अब सुन मेरी बात, मम दरस पर परम अरूपा जीव पा विजय सह स्वरूप। अरे शिवरी, जब मैं मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ ज्ञान देने के लिए तो मेरा रूप अनुपम है। क्या अनुपम है? मैं तो बताऊँगा, जिसे आदमी अपने स्वरूप का पता करेगा नहीं, पता चलेगा नहीं, मैं ही बताऊँगा उसको ज्ञान दूंगा, तो बताऊँगा मनुष्य रूप में आऊँ गुरु बन के आता हूँ। तो क्या कह रामायण चौपाई है, मम दरस पर परम रूपा जीव पा विन सह स्वरूपा, जीव का अपने स्वरूप का पता चलता है। ये बात पहले बताई, पर वो बात अभी भाषा में थी, खास बात है। और आज के लिए ये कि आप अभी जीते मुक्त हो सकते हैं, मैं कहता हूँ ध्येय ये है कि आदमी मनुष्य जीते ही अनुभव कर ले और उसको मुक्ति को प्राप्त कर ले, और फिर श्री माता रहेगा जब प्रारब्ध क्रम है, और भोग की फिर उसी में चला जाएगा, इधर नीचे नहीं आएगा। और वो साधन क्या है, इधर से शुरू होता है, ये सिद्धि का स्थान है पहला। या दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए आप यहाँ ध्यान करिए, विचार करो, जो विचार करोगे आपको गाड़ी घोड़ा मकान दुकान हाट हवेली संतान सब कुछ मिलेगा। सतूल चीज़, सतूल चीज़ इस दुनिया की आपको पहले स्थान पर ध्यान विचार करने से मिलता है, और मिलता है सबको, करते हैं सब नोविंगली और अनोविंगली, जान के जाने बगैर जाने करते हैं। ये जगह इधर जहाँ टीका लगाते हैं ना, यहाँ पर सिद्धि का स्थान है। और इसके ऊपर की तरफ ये ओम बीच में माथे के बीच में लगाते हैं टीके पर लोग, इसको ओम का स्थान कहते हैं। इस ओम के स्थान में क्या, ज्ञान का केंद्र है। किसी तरह का ज्ञान लेना हो आपने, किसी तरह ज्ञान जानना हो तो यहाँ पर आके टिक जाओ, और इधर जब मन ठहर गया तो आप जो चाहते हो ज्ञान हो जाएगा, इस लोक का या वाई लोक का। इस लोक का कोई जानना चाहते हो कि जी 3 साल हो गया मेरे वो भाई गुम हो गया, आया नहीं, ऐसे कुछ दिमाग में खराबी थी, कहाँ से गया, बेचिंता है, तो जो पंडित होते थे पंडित होते थे सब पता करेंगे। और अब ये संत अगर कोई इस तरह का है तो सिद्धि है अपने विश्व में, या सारी मंजिल पर नहीं जाएगा तो ध्यान करता रखे तो बता देता कि फलाने मकान में है फलानी जगह है, और उसको जगा देता है आ जाता है, और बता देगा आ जाएगा ही, समझे ना बात। तो ये तो श्लोक का, वाह लोक का ये कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि शिवलोक में क्या है, ब्रह्मलोक में क्या है, विष्णु में क्या है, क्या है, तो लोक सामने आ जाएगा आपके, है समझ। तो ये आपके अंदर सिद्धि है, पर ये सिद्धि रहेगी, इसकी सिद्धि हो जाएगी, बाकी अगर जा सको इसमें जाओगे ओम के स्थान पर सिद्धि आ जाएगी। आप क्या ज्ञान जानना चाहते हो, मेरी पुस्तक लिखी मैं तो मैं कोई पढ़ के नहीं लिखी, जो पुस्तक लिखी मैं पढ़ के नहीं लिखी, मैं ध्यान करता हूँ एकाग्र हो जाता हूँ और लिखने लग जाता हूँ, और मेरे सिर्फ लिखा जाता, फिर बाद में सोचता हूँ मैं कि मैंने कैसी लिखी है यार,
अभी देखता हूँ कई किताब पढ़ता हूँ कैसे लिखा है, तो समझ आती है कि वो विचार ब्रह्मांड में है। जो विचार है पहले जो अच्छे आदमी ब्रह्मांड में जो विचार है पहले का अभी तक है, और वो धीरे धीरे ध्यान के एकाग्रत होते ही वो खिंच जाते हैं और वही चीज़ आ जाती है, आपको अपना आप ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान का केंद्र ये है, जो वैज्ञानिक है विज्ञान सब यहाँ से बस, और हमारे तो आगे तक का ज्ञान है अपने को जानने का है। वैज्ञानिक यहाँ एकाग्र करके चित्र बैठता है और उसका ब्रह्मचारी ये ठीक है तो वो बिल्कुल एकाग्रता होगी, और जो जानना चाहता है नोविंग अनोविंग करते 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 विचार एकाग्रता आएगी और आगे से आएगा उत्तर ऐसे कर लो, वो दूसरों को बताएगा ऐसे कर लो, आप रिव्यूट कर लेते ठीक है। तो ये पहला ज्ञान है, इससे ये जितने शास्त्र जितने वेद कुरान लिखे गए हैं जितनी जो किताबें लिखी गई सब का सब उनकी एकाग्रता हो जाती है और नई स्वास्थ्य लिख देते आई समझ। तो ये ज्ञान का केंद्र ही है, कोई ज्ञान किसी तरह का ज्ञान आप चाहते हो इधर ध्यान करो। ध्यान की पहचान ये है कि लाल रंग का प्रकाश आ जाएगा और इसकी मूर्ति आ जाएगी और ओम ओम की ध्वनि आ जाएगी या अमीन भी आ जाता है किसी के, और किसी के ये इन पर नहीं विश्वास है तो गड़गड़गड़ बादल गड़गड़ाहट आ जाए और कुछ नहीं आता तो दम 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 नगारे के बाद अकॉर्डिंग टू नेचर, हर जैसे नेचर है ना वैसा ही उसको अनुभव हो जाएगा और वो जो ज्ञान देने वाला वो जानता बता देगा आपको ऐसा है आइए समझ। तो यह ज्ञान का केंद्र है तीसरा, और आगे थोड़ा सा इसके ऊपर की तरफ ध्यान करोगा तो यहाँ पर क्या होगा, रारंग सारंग कहते हैं इसको, इनमें तो सारंगी की आवाज़ आती है और चांद जैसी चांदनी होती है, और क्या मिलता है मस्ती, मन काम नहीं करता हंसते रहोगे, दुकानदार रस्ते आओ आप राजा आओ चाय पी के जाओ ना आओ तो सही बैठो जाइए सुबह अच्छा को काम है के बैठे आप क्या काम फिर हाँ ये हो जाएगा, वो काम भी करते रहोगे साथ साथ बेफिक्री में रहोगे, बेफिक्री में रहोगे काम जो जाता है उसके काम कर दिया चल मेरा भाई। तो इधर क्या होगी एक तरह मस्ती रहेगी, नशा जैसे को पीते हैं वो क्या कहते हैं जैसे सुल्फा सुल्फा पी लेते हैं या कोई भंग पी लेते हैं तो भंग में नशा रहता है वो सर नशा रहता है अब समझे कि नहीं, और कभी आजकल जो शराब वगैरह पीते हैं ना बिस्की ब्रंडी उससे नशा रहता है। तो गुरु नानक देव ने इसको ऐसे बताया, रातें पी नानका उतर गई प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रह दिन रात। वो कहता रात ने पी सुबह उतर गया तो अरे तो नाम की खुआरी है वो परमात्मा की तो वो चली रात दिन चले थे वो नशा उतरता नहीं सुबह शाम तो मस्ती। तो ये नशा की जगह रारंग सारंग जो है मन काम नहीं करता और बेफिक्री रहता नशा रहता है और हंसता रहता खुशी में खुशी में रहता है समझे कि बात। कहीं कहते बड़ा मस्त फकीर था इसका बताइए इस जगह ठहरा हुआ हो मंजिल पर नहीं पूछा इस जगह ठहरा हुआ है माथे के बीच से थोड़ा ऊपर की तरफ इसको रारंग सारंग कहते हैं। और इसके ऊपर जब चलते हो तो सोहम सोहम सोम का शब्द है, सोम मानी मैं वही हूँ मैं वही हूँ मैं वही हूँ वही हूँ, और वो क्या है सफ़ेद रंग का प्रकाश आता है बड़ा मीठा प्यारा जलाने वाला नहीं प्यारा अच्छा मीठा आता है सूर्य से भी तेज, और उसका साधन करता है उसका साधन करने से शक्ति आ जाती है जबरदस्त आनंद मिलता है या स्रोत उसमें खेलती रहती है। इसका ब्राह्मणों का मंत्र था पहले जो जानना चाहते ना आगे वो कहते ओम भूर भव स्व तत्सवित्र ब्रह्म भगव देव से धीमई धीमे प्रसुद्यात मनुष्य तो जागते सपने और गहरी नींद से आगे जो सूर्य उसको देखो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। ये वो उन ब्रह्मचारियों का था जो शुरू से ब्रह्मचारी रहते थे जिसका अच्छा ब्रह्मचारी था वो थोड़ी देर अनुभव हो जाता है और इधर रहने वाला मस्त रहता है पर वो मस्ती आनंद आनंद रहेगा वो और कोई चीज़ नहीं करेगा आनंद खुशी बनी रहेगी और सिद्धि होगी सोचेगा वही हो जाएगी सोचो को महात्मा यहाँ ठहरता है तो जो सोचता है वैसे जाता कोई गाड़ी जाता कोई घोड़ा लेता कोई कुछ लेता आश्रम बढ़ा देते ये कर दे तो वो कुछ नहीं करता कोई पानी का इंतजाम कर देता वो यहाँ ध्यान कहीं सोचे पानी का पड़ो फट पानी का जाता सिद्धि आ गई उसमें सिद्धि है यहाँ मंजिल पर नहीं पूछेगा वो यहाँ फिर चक्कर चौरासी के चक्कर से नहीं निकलेगा। और देह आपकी दिन का क्या है कि चौरासी के चक्कर से निकल के सदा के लिए जीवते इसे श्री छोड़ो तो उसी में चले जाओ देह ये है। कहते मानस तन सुर को भी दुर्लभ मनुष्य श्री देवताओं को दुर्लभ है क्योंकि जो तो वास्ते हैं वो आते चमत्कार देते चले जाते हैं और मनुष्य को मिला तो मनुष्य एक जाति ऐसी है कि वो सदा के लिए चाहे तो मुक्त हो सकता है इसी जिंदगी में रहते हुए। दुनिया सुंदर बना लो पर ही वो तोड़ेगी विचारों से संकल्प से और यह बढ़ेगी जब तुरका से पूछ जाओगे तो आप विचार तो खत्म हो जाएंगे सब समझिए ना बात। तो वो ये इसका आनंद का स्थान है बहुत ज़्यादा और वो आनंद के अंदर बैठे है कोई और कोई चला गया कोई अनुभवी आदमी तो कहता है सौ ब्रह्मचारी जी क्या कर बोलो से आनंद रहते हैं बस बोले ब्रह्मचारी जी जब आप प्रकाश अनुभव करो राजी और फिर तकलीफ आ जाएगी क्या प्रूफ मेरे पास ये डॉक्टर कमला बैठी जब ये ध्यान करती है प्रकाश उठाती है तो फिर नहीं आता है कई बार
दो चार दिन नहीं आती, फिर मेरे कहती है तो आया नहीं मुको, आ जा तेरे तेरे ही अंदर खटपाल नहीं है, तो प्रकाश आ जाता है। तो उसको क्या छोड़ो, इसको आगे चलो, निश जो परम शांति मिली वो आगे है, कहाँ परमात्मा रूप उसमें उसका अंश मिल जाओ, तो फिर वो इधर से छोड़ के उप फिर इधर आएगा। इसको कहते हैं अलख, अलख मानिए देखा था आज बयान नहीं हो सकता, इसका रियलाइज कर सकते हैं। तो इस अलख के ऊपर अलख निरंजन साधु करते फिर अलख निरंजन अलख निरंजन, तो वो ये क्या इसको देख तू क्यों, इसके बाद वो आदमी उस रस से चल पड़ेगा किससे जिससे मुक्त हो रहा है। तो यहाँ से तो देख करके इस अलख से बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता नहीं से आगे की तरफ चलेगा, तो अगम का स्थान आता है बीच चौकी है, वो ज़्यादा बयान नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद आके बुद्धि के पास पहुँच जाओगे तो वो राम नाम भी गायब और सुनने वाली चीज़ गायब, इसका मतलब वो तत्व तत्व में मिल गया। अगर यह बूंद है तो समुद्र में गिरी फिर क्या क्या मिल रहेगी, ख़त्म। आपको ये कैसे हो सकता है कि जो आप मानने की तैयार नहीं थी, आप बुद्धिमान है ना, मेरे से शायद भी क्या बात सुनोगे आप। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, तो मेरी तरफ से कहता हूँ, बोले महात्मा तो कही था नहीं, पहले महात्मा सुन बताइए, पहली सुन, दूसरी सुन, तीसरी सुन, और मैं सुन सुनने कह के सीधी बात कहता हूँ। सीधी क्या कहता हूँ कि आप रोज़ाना कैरी दिन जाती है आती है ना आपको, आप वहीं चले जाते हो और शक्ति लेके दूसरे दिन वही काम दुकान का मकान का करने के लिए जाते हो। सो के सोए कांत लड़का एक चौथी मंजिल में ईंट ले जाता मजदूर, शाम को थक गया बिल्कुल, थक गया बिल्कुल, सिर क्या खाना खुना खा के सो गया, उसी में चलाएगा उसी गए, और वहाँ से शक्ति लेके सुबह आता तो कांत लड़का के वही काम फिर करता। तो रात को टॉनिक तो नहीं पिया था उसने, रात को टॉनिक नहीं पिया था ना, तो सभी आप अधिकारी देखो आई एस आई पी एस थकिया दिन पर काम करके सो जाएगा, बुद्धि चले जाता है, इसका ज्ञान नहीं है किसी को। और ये आपको मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि मैं नई बात लेके आया हूँ आपके लिए, समझे कि नहीं, तो मैं समझा सकूँ नहीं तो आप मानेंगे नहीं, मेरे जैसे आदमी क्या बात करेंगे। जब आप गहरी नींद जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं, आपके जितने प्रॉब्लम खत्म, जिस समस्या खत्म, सब कुछ भूल जाते हो और सपने आते हो तो नीचे आ जाओगे। तो गहरी नींद के अंदर आप वहाँ चले जाते हो, वो परमात्मा मिल जाती है उसका अंश, वहाँ तो कुछ सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सब खत्म। जब आपको इधर पट्टा बन रहा प्लस्टर, हाथ टूटे हुए हैं समझो एक्सीडेंट से, तो रोज नींद आ रही है और गहरी नींद आई सब गए। तो गहरी नींद में हर आदमी आप इंश्योरेंस इसलिए बताया गया, आप इंश्योरेंस है, रोज़ाना उधर जाते हो आते हो, और दो चार दिन नींद नहीं आएगी तो सोच लो बैलेंस बिगड़ जाएगा, वैज्ञानिक के पास जाएंगे फिर वो कंपोज की खोलिए तो बोल देगा और वो सोई से लगाएगा, तो गहरी नींद आए सर सोओगे कई दिन, फिर नॉर्मल हो गए, फिर कहा एक गोली खा लिया अगर कुछ दिन के, किसी को बताता सजा खानी पड़ेगी, ये सबको कर लेते। तो गहरी नींद में सजनो आप वहीं चले जाते हो, वहाँ न कोई चिंता है न कोई फिक्र है कोई डर, और जब आप ईश्वर से मिल जाते हो उसे तो रोज के वहाँ आखिरी उधर चले जाओगे। पर ये बाहर का गुरु बताएगा आपको, जब आप गरीब में चले गए और फिर बाद में ऐसे होते ऐसी हालत हुई तो वो कहेगा अभी तू मंजिल पर आ गया है, पर तेरे प्रारंभ क्रम है तब तक तू काम करता रहेगा, जिसे प्रारंभ खत्म होगा फिर आएगा नहीं, तो तू काम करता रहे और उसकी दृष्टि ऐसी बन जाएगी कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हुआ है, जहाँ देखता हूँ तू ही तू, सियाराम में सब जगदानी, आप समझे ना, वो सबको तो देखेगा तो चोर तो वाजादार है, तो उसकी दृष्टि है चोर का परमात्मा ही था वाजादार है, चोर का ड्रामा कर रहा है, अरे पीछे वो पुलिस आ गया फड़ लो, तो पुलिस भी वो ड्रामा कर रहा है, पुलिस का कर रहा है अभी, आप समझे ना, सब जिधर देखता उधर तू ही तू है, चोर में भी तू है, बदमाश में भी तू है, डाकू सब में तू है, समझिए ना मेरी बात, मेरी दृष्टिया बनी जाती है। अब एक अपने अनुभव की बात बताते हैं, क्योंकि ना अनुभव पता नहीं चलता, मेरे पास एक चौधरी आया, मैं छुट्टी गया था, किसी ने बता दिया खटीक था बिरदाराम, बोले अपने नजी को कैप्टन बड़ा ज्ञानी है, बहुत वो ये है कबीर साहब की सब बात बताता है, ये बताता है। तो चौधरी किसी गाँव का था, वो आया आके बोले जी मैं सुना था कि आपको ज्ञान की उनको चाहिए, ज्ञान तो कुछ आते कोई चीज़ पूछो मेरे को, ज्ञान में कोई पढ़ल तो हो नहीं कोई महात्मा हो, तो बात पूछो बोले जो फट टिकाली कबीर की किताब दो चार बात पूछिए कैसे ये कुछ बता दी, मैंने क्या पढ़ना था, साधारण बात थी वो अनुभव थी मेरी, तो उसके यकीन हो गया ठीक है। तो बैठो रात को उसको खाना खुना खिलाया, खा लकड़ा खा करके आज वो सुबह जाने दे गया, तो चौधरी साहब फिर और कुछ रोटी जिम के चले जाना, नहीं जी अभी जाऊँगा, तो चाह पानी पी करके जब चला, वो मेरे बकरी थी दो चार बकरियाँ जगह बड़े पक्के बुला दी थी, तो म्या म्या में बकरे बच्चे सूख रहे थे तू उस जगह ऊपर देख कर बोले कैप्टन साहब आप बकरी भी पालते हो, हाँ तो इनके बच्चे होते हैं उनको क्या करते हो, वो चीज़ दे देते हैं, बोले किसको देते हो, वो ब्राह्मण थोड़ी देगा इनको, कसाई नहीं देगा, ये बोले कसाई को देते हो तो और कौन ले जाएगा साहब, तो बोले कैप्टन साहब मेरे को शक हो गया इधर, वो क्या तो पाप करते हो आप, वो ऐसे चौधरी जी मैं पाप और पुण्य से ऊपर रहता हूँ,
पर मैं तो समझा को नहीं आ बात नहीं समझा तो मैं आप ऐसे सुना कि आप देखते रहो भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं अर्जुन तू क्षत्रिय है युद्ध करे और वो बाण फेंक देता बोले मेरे कहता चाहता हूँ सबके सबकड़े में क्या डरूँ अरे बोले तू क्षत्रिय तेरा धर्म दवा यार क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना भागना नहीं तू ये बाजेगा डरपोक बाजेगा कायर बाजेगा और तू युद्ध करे और वो रोए वो कहते चाचा ताऊ मेरे सामने अरे बोले चाचा ताऊ तेरे सब खड़े हित मारने के लिए चाचा ताऊ थोड़ा ही इंद्र मतलब वो ये ज्ञान देते हैं तो वो भगवान कृष्ण तो कहता है तू मार चाचा ताऊ होगा और मैं बकरा मारता भी नहीं हूँ कुछ करता भी चौधरी जी मेरे कहाँ लगा बोले गीता रोज पढ़ते हैं तो गीता बताया नहीं भगवान कृष्ण बताते हैं तो युद्ध कर क्षत्रिय तो वो तो कहते मारो इनको और मैं तो मार या नहीं बकरा मार दे तो बकरा मारता हूँ उन्हें मैं खाता हूँ उन्हें कुछ पालता हूँ दूध पिला के दे देता हूँ बोले मैं तो अब समझा तो अब तक नहीं सुन मेरी बात मेरी दृष्टि आ रही है चौधरी मैं बकरे में वो देखता हूँ और कसाई में वो देखता हूँ और कटवाला में वो देखता हूँ और जो खाने वाला में वो देखता हूँ वो सब के अंदर बकरा वो है सब कुछ वो एक है बोले कुछ आज तो मेरे को शक कर गया गीता पर भी आपने मेरे को वहम कर दिया थोड़ा सा वो भाई मेरी दृष्टि आज जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है हर समय चलवाते रहूँ तो जब आप जीते मुक्ति का अनुभव कर लोगे तो आपको यह ज्ञान देगा बाहर का गुरु कि जब छोड़ोगे तो आप उसी में चले जाओगे जब जीओगे फिर जीते दिन तो आपकी दृष्टि यह रहेगी बाहर के सिवाय उसके कुछ नहीं है सिवाय उसके कुछ नहीं है मुसलमान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवाय कुछ नहीं है और हिंदू कह रही है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति वो एक ही है वो तो परमात्मा और सब नाशवान है आप समझेंगे नहीं बात माया माया हम कहते हैं माया है क्या माया है क्या आप तो देखते हो ऐसे आँख बन रहे आप देखते हो ये जितनी चीज़ देखोगे सब नाशवान है ये बल्ब बल्ब सब कुछ आपकी शक्लें भी सब चले जाएंगे शरीर नहीं रहेगा तो रहने वाली क्या चीज़ है आपके अंदर तत्व है वो ये दृष्टि है सब के अंदर एक ही है संतो एक प्राप्त भाई तो उसकी दृष्टि ये हो जाएगी जब तक दिएगा तब तक जिधर देखता हूँ तो उसी में देखेगा सबको और हंसता रहेगा खुशी मनाएगा बिल्कुल वो समझेगा सब खेल ही उसका है वही तो करता है वही शोरूम है वही ठग में वही विधवास में वही बकरे में वही खाने वाला में सब में है अब मैं सोनम के लिए कायदा कि जब बकरा वगैरह आते हैं तो वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह ये अल्लाह तो मेरे को ये काम दिया तो सही घर पैदा करा इसे मैं काम कर रहा हूँ तो अगर वो सत्य मन से कहेगा तो कहता उसको वापस दे दे तो मेरे को पैदा कराया यहाँ पर और ये ज्ञान अगर है सचमुच पर है नहीं किसी को अगर ये ज्ञान अगर मुझे उसी ने दिया तो बताता हूँ कोई बाप पुण्य नहीं तो आज के सत्संग में कई बातें बता दी तीसरे स्थान पर बता दिया आपको ये खुशियाँ हमेशा चौथा बता दिया आपको सफ़ेद रंग का प्रकाश है और देखने वाले आप हैं खुद और वो मछली की तरह आप उस प्रकाश में खेलेंगे तो उसको चिताने के लिए कोई अनुभवी आदमी आएगा कहता आनंद में फंस रहे हो आप तो तब फिर बोले क्या फिर इधर आ गया तो इसको अगर कहते इससे चलते चलते चोटी पर आ गया और चोटी पर आ गया तो गुम हो गया उसी में चला गया ये आखिरी हालत अगर रह जाएगी तो ठीक रहेगी ये उसको समझा दिया कि आखिरी तेरी ये हालत हो जाए फिर आएगा नहीं दोबारा तो उसको निश्चय होगा कि मैं जब जाऊँगा तो उसी में चला जाऊँगा वो कोई किसी प्यार नहीं रखा कोई अटैचमेंट नहीं टोटल डिटेच है सबसे डिटेच तो पहले हो जाएगा वो ज्ञान हो जाएगा पर वो कलियुग को संतुलन का बाज बना और ये कड़ा नहीं किसी को कि आप मेरा कोई नहीं हो सबको कड़ा मेरा बेटा है मेरा भाई है ड्रामा अच्छा करे सुबह उठ के बाप को चलना सब पर कर, ये करके वो सब बर्ताव करे जिस तरह को अच्छे अच्छे विचार मिले विचारों का लोग है ना तो संकल्प का विचार से आप फायदा लें इस लोक में तो आपका विचारों से ज़िंदगी बनेगी और इसको छोड़ के जाने के लिए आपका विचारों से ऊपर चढ़ जाओ बन जाएगा सीधी सीधी बात है और आप कर सकते हो और किसी अनुभवी से पूछ लेना आपके अंदर सकते हो तो मैंने समझा हो सकता है सब गलत हो और किसी और अच्छा और जब मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे को मार्गदर्शन कर देना क्योंकि हो सकता है क्योंकि मेरी गलती हो तो मेरे को बता देना कि आप कहते हो राम भी को नहीं आओ किसी को नहीं आओ तो तू क्या बन गया कफर हो गया क्या कि कुछ भी नहीं आता सजनों जो कुछ आता है वो आपका देख क्या सुना सुपन क्या आता है क्या आदमी इकट्ठे होते हैं उधर सुपने कोई आदमी आते हैं वहाँ पर वो आपका मन ही बढ़ा लेता जो इंप्रेशन सजेशन सब कुछ माइंड में पड़े हुए हैं वो डेवलप होकर सामने आ जाते हैं अजीस्ट टूट फूट के आ जाते हैं वो तो आप ही तो राम को पैदा करते हो आप ही देवी को पैदा करते हो बालाजी माताजी इत्यादि को सबको और गुरु को भी आप प्रकट करते हो पर जो गुरु मैं ये बात बता दी कुछ आएगा कौन हमारे पास हम सब कुछ करते हैं क्योंकि दबानी पड़ती है ना बात तो गुरु बता दिए मेरी जाना भला मैं आपका नेतों को पैसे लेने में तो आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ मैं तो आपका दर्शन करने के लिए इसे आया हूँ कि आप ही सुरंश हैं और इतने आदमी मुख्य बहुत ज़्यादा आदमी आगे बुद्धिमान आदमी आगे तो बुद्धिमानों को मेरा ज्ञान है आम आदमी को नहीं है जो खाता पीता रोजी रोटी सब कुछ है उसके लिए और भिखारियों के लिए भिखारी बढ़ते सब भिखारी हो जाते आप ही लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं आप ही लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं सबका सब
तो ये आपके लिए बताया कि आप ईश्वर अंश हैं, आप बड़ी वाली शक्ति है। तो आपको मैंने जो बात बताई तो थोड़ी सी बताई है, मैंने थोड़ी सी बात बताई है, मैंने क्या बताई है, पर ये बताइए आपके विचार में शक्ति है, एक बात क्या शक्ति है, अच्छा सोचते वैसे हो जाता है, और विचार आपके दो तरह के होते हैं, घटिया बढ़िया। तो नेगेटिव विचार जो भी आएंगे, पत्नी के प्रति आओ, चाहे भाई के प्रति आओ, चाहे जवाई के प्रति आओ, चाहे पड़ोसी के प्रति आओ, जो भी नेगेटिव विचार होंगे वो आप पर भी असर करेगा, जिसके लिए सोचा उस पर करेगा। तो घरों के जो तकलीफ है वो हमारे विचारों की है। तो छोटी सी गल ये है कि आप से ये भर्ती कर लो कि मैं गुस्सा करूँगा नहीं, पत्नी ने कुछ बात कर दी, बोले कोई बात और कहो एक दो, हाँ ये बात इसी थी, आप बताओ कोई बात ऐसी करो, और पति कह देता चार बार बात कही, नशे नशड़ में ज़्यादा राजपूत आते हैं मेरे पास, काफ़ी अच्छे लोग आते हैं सभी, पर वो आते हैं तो लेडीज कहती थी वो पी करके कुछ ऐसे करते हैं, वो कोई बात नहीं, आप ये करने लगे सुन लिया करो, सुन के कह दो जी बड़े चंगे अच्छे लगते हो, और कह दो चार बात, बोले जी ऐसे तो कह कौन जाओ, थारी मर्जी है, इतने या दो चार बार कही देख लेना ठीक हो जाएगा, आप समझे ना। तो बात यह है कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है, विचारों को पॉजिटिव, ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंकिंग, बस शिव शंकर मस्तु, सुंदर विचार रखो। सुबह उठते विचार आएंगे, घटिया विचार आएंगे, घटिया काट दो, कि क्यों क्यों आपको तकलीफ आएगी, अरे आपको बैठ के बात थोड़ी, अंगार का तो आपको दिख है कि पैर नहीं दोगे उसमें, अंगार पकड़े नहीं यहाँ पर, तो पैर नहीं दोगे, बढ़ती जाओगे, और वो विचार का आपको पता नहीं है। तो आज ये आपको वो गहरी बात थी बता दी मैंने आपको, और ईश्वर वाली शक्ति आप में, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, आप जो सोचते हैं मन में वही हो जाएगा, जो चाहते हैं वही मिल जाएगा, समझे कि नहीं। आप सत्य मन से जो चीज़ की मांग करोगे मन में, तो वो चीज़ हाँ इतने एकदम तो नहीं होता, कोई टाइम लगती है पर वो हो जाएगी। तो एक तो विचार में शक्ति, दूसरा घटिया विचार क्या है, हम गृहस्थी हैं और हमें ये पता नहीं कामुकता का, और कामुकता के पास भागते फिर रहे, मैं कई घरों में जाता हूँ, लाइन बैठ जाता हूँ, छोटे बच्चे होते तो ऐसे ऐसे करते आते हैं, तो मैं बेटी कहता बेटी तो टेलीविज़न देखा था, इसे तेरा बच्चा नाच रहा, पहले नाचने की कोशिश करेगा, क्यों माँ के पेट में जैसे बच्चा जैसे करेगी, वो बेटियों को ज्ञान नहीं, अगर बेटियों को यह ज्ञान हो जाए तो संतान वो ऐसी करे पैदा तो वो तकलीफ नहीं कर सकती, तकलीफ में तो तकलीफ होंगी नहीं बिल्कुल। देश में अगर ये ज्ञान हो जाए तो देश के अंदर यह देता अपने में तो निकली जाते हैं, वो आदमी ऐसे होंगे, और जैसे हम पैदा करते हैं नशे के अंदर आते हैं, नशे की औलाद होती है, ये मामला है। इसे सजनों संतान उत्पत्ति करने के लिए सब ज्ञान का खजाना है, ये बात ये हजम को नहीं होगा, ये क्यों कि मैंने जो चीज़ आगे तक बताती ना महात्मा आखिरी तक वो बताती नहीं, वो सब बता दी, पहली बता दी पैदा करने से लेकर के और शरीर छोड़ने तक की बात बता दी, कि शरीर छोड़ते वक्त जो ख्याल होगा उसे वैसे हाल होगा आपका, ठीक है ना। तो अभी आप ऐसे करो, मेरे ख्याल पहली पुस्तक देंगे हम, ये ज्ञान दूंगा मैं, और पहले तो ये बताइए कि किसी को कोई शंका है क्या,